चमेली पार्क हो रहे हो ना, के घूम रहा, के टहल रहा तू, यो के धर रखा तू। लगता है मम्मी जी ये डैडी जी का लेटर है, इस पे उनका नाम लिखा है हनुमान प्रसाद। देखो बेटा, न किसी अनजान आदमी का जो है लेटर हाथ में ना धरते, और हाथ में जो धर ले ना तो उसे खोलते कतई ना है, और जो कतई खोल ले ना गलती से तो बाय मिस्टेक उसे पढ़ते तो नहीं। क्यों लगाई आपने नहीं की पुकार? नहीं बोलना तो है मेरा जन्म से अधिकार। क्या हो गया मैडम, इतनी सैड क्यों लग रही हैं? अपने आप को अकेला मत समझिए मैडम, अपने आप को अकेला मत समझिए। जब कोई चला जाता है ना मैडम, वो लौट के नहीं आता, बस उसकी यादें आती हैं। लेकिन आप घबराइए मत मैडम, मैं आपके साथ हरियाणा जाऊंगा मैडम, मैं। बस आप मुझे इतना बताइए मैडम कि चौथा कब है? यो शोक संदेश ना, यो प्रेम संदेश हो रहा। किसने मैडम, किसने मेरे होते हुए आपको लव लेटर किसने भेजा मैडम, बताइए मुझे उसे। अरे यो लेटर हनुमान प्रसाद। ओहो मैडम, फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप तो हमेशा चाहती थी कि हनुमान प्रसाद आपको लव लेटर लिखे, आज आपका सपना पूरा। यो लव लेटर न मारे लिए ना है, यो लव लेटर किसी छोरी ने मक्खन सिंह के लिए भेज रखा है। मम्मी जी मुझे तो लगता है डैडी जी का किसी के साथ ना लप्पा झप्पा चल रहा है। सर की इतनी हिम्मत, सर को तो मैं देख। क्या यार, अरे जीजा जी का क्या करना है, वो जीजी डिसाइड करेगी। मक्खन सिंह, अरे जो माँ का दूध पिया तो बाहर को निकल। ओहो मिस्टर चौटाला, क्या यार, जब देखो गला फाड़ के चिल्लाती रहती हैं आप, क्या हो गया, आज आपकी शादी तय हो गई? वैसे दूल्हे मियां कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लॉकअप में ठहरे क्या? चल आप, मैं थारी तरह कोई बेवफा ना हूँ, ना जो प्रेम एक से करूँ, ना शादी दूसरे से कर लूँ, और लेटर बाजी तीसरे से करती प्रूँ। यो के बदतमीजी हो रही है, के बदतमीजी हो रही हो। पढ़ इसको, मुझसे नहीं होगा। प्रिय हनु, मैं तुम्हारी याद में मरी जा रही हूं, कब मिलने आओगे प्राणनाथ? क्या कर रहे सर आप? How dare you assault the senior officer? पढ़ो लेटर को। दूर रहिए सर आप थोड़ा, प्लीज। मैं दूर ही रह रहा हूँ यार, तुम लेटर पढ़ो। कब आओगे मिलने प्राणनाथ? और अब तो ये आलम है कि तुम्हारी जुदाई की ये घड़ियां मोहल्ले के घंटा घर की सुइयों की चुंबन चुभन ठीक से पढ़। सॉरी चुभन बनकर मुझे भेद रही हैं। पापड़ी चाट, बस आज के लिए काफी लेटर को पढ़ा जा चुका है। देखिए हमें इस लेटर से ये पता मामला इसका लेटर का मामला हमें समझ में आ गया है, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं पता कि ये कौन सी कन्याकुमारी है जो अपने कुआरेपन की बरसात करने पे आतुर है हम पे। मतलब मेरा मतलब ये है कि देखिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस कन्या ने ये लेटर लिखी है तो आप हमें बता दीजिएगा उनका नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, पता, ईमेल, जो भी है, ताकि हम उनसे पर्सनली मिलकर उन्हें बता सकें कि देखो बेटी, मेरा मतलब है देखो बहन, मेरा मतलब है देखो देखो जो भी तुम हो, कि तुम ऐसी चीजें लिखा मत करो, ऐसी चीजें बोली जाती, मतलब वो हमें ऐसी चीजें ना बोले। आई एम ब्रह्मचारी राइट, तो बता दीजिएगा उनको, हम चलते हैं। 3 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर कोई आइडिया ना दिया ना तो चौथे सेकंड में थारा चौथा करा दूंगी डेफिनेट। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक कठोर दान महाकल्याण आइडिया आ रहा है। अरे तो थारा कल्याण करवा दूं फिर देगा तू आइडिया? मैडम चूंकि इस लेटर के ऊपर लेटर को भेजने वाले का नाम और पता नहीं लिखा हुआ, तो सिर्फ एक आदमी इस इलाके का पोस्टमैन हमें बता सकता है कि ये लेटर कहां से चला, कैसे चला, किसने चलाए। तेरे को मैडम से मिला दो। ओ ये क्या पेट बड़ा रखा है, पेट कम करो जरा तुम लोग। तू वो आदमी कितना मेरे साथ आए, प्रवीण, ओए प्रवीण इधर तो अभी तो आया मेरे साथ। गुलगुले तू
आप कैसे घर सल्यूट कर। मुझे नहीं यार मैडम को करना। मैडम हो गया? हाँ हो गया मैडम, हो गया। यो कौन से? मैडम ये प्रवीण पोस्टमैन, वो आपको बताए? अरे केस समझा दिया इसने। हाँ हाँ मैडम, गुलगुले ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। अरे इस प्रवीण पोस्टमैन के हाथों के नीचे से रोज करोड़ों चिट्ठियां गुजरती हैं। बेटा एक चिट्ठी का पता चाहिए बन्ने, ना जो वो ना मिली ना तो मैं तन्ने गुजार दूंगी। लाइए वो चिट्ठी लाइए। चिंता मत कीजिए मैडम, पता लग जाएगा। चल फिर अड्डे पे मिलते हैं। ओके ओके। यार मिस टुटाला, दिस इज टू मच यार। हम आपसे कह कह के थक गए कि हमारा उस लड़की के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, और आप हैं कि हमारी बात ही नहीं मान रही है। अरे थारी कही बात की कोई वैल्यू है क्या? अरे तू तो दिन रात ये कहता फिर है कि थारे को मारे से को प्रेम ना है, तो यो भी मान लू। एक्सक्यूज मी, क्या ये पुलिस स्टेशन है? आराम से। नो नो, दिस इज नॉट अ पुलिस स्टेशन, यो हो रहा चंपा चमेली का कोठा। और चंपा चमेली न यो खड़ी कर लीजिए, आप भी मेरे साथ मजाक कर लीजिए। ना क्यों कर लीजिए मजाक, ना मैं थारी साली हो रही हूँ, तुम्हारा जीजा हो रहा है के? अरे प्लीज प्लीज आप मुझे याद मत दिलवाइए, मैं जीजा जी होते होते रह गया हूँ आराम से। नहीं, दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे इसकी दुनिया लुट गई हो, सूरत तो ऐसी बनाई है जैसे इसकी शादी टूट गई हो। अरे शादी तो तब होती जब मेरी एंगेजमेंट होती, एंगेजमेंट तब होती जब वो मेरा इंतजार करती, वो मेरा इंतजार तब करती जब मेरी चिट्ठी उसे मिलती, और मेरी चिट्ठी उसे तब मिलती जब वो पोस्टमैन उसे पहुंचाता आराम से। अरे क्विज कंटेस्ट ना घड़ी बदतमीजी होगी यो। अरे साफ साफ बोले क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैडम, मैं ना एक लड़की से प्यार करता हूँ। मैडम हम लोग ना बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं भी टाइपिस्ट हूँ और वो भी टाइपिस्ट है। लेकिन थोड़े दिनों पहले है ना मेरी नौकरी एक अलग शहर में लग गई, तो वहां से मैं उसे टाइप करके लेटर भेजता था और यहाँ से वो मुझे टाइप करके लव लेटर भेजती थी। अभी कुछ दिन पहले उसका लेटर आया कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। मैंने उसे कहा कि प्लीज प्लीज 3 दिन तक रुक जाओ, मुझे वायरल फीवर है, मैं 3 दिन में पहुंच जाऊंगा, उसके बाद में इकट्ठा शादी कर लेंगे। यहाँ पे जब आया तब मुझे पता चला एंगेजमेंट कर लिए आराम से। मैं उस पोस्टमैन के खिलाफ FIR लिखवाने आया हूँ। तू तन्ने इतना घना यकीन कैसे हो रहा कि सारी इन्वॉल्वमेंट इस केस में उस पोस्टमैन की हो रही? मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है, क्योंकि सुशीला की एंगेजमेंट उसी पोस्टमैन के साथ हुई है जिसके खिलाफ मुझे FIR लिखवानी है आराम से। भाई यो माजरा तो सही है, पर बात यो है ना कि हम जो रहे गवर्नमेंट सर्वेंट, और एक गवर्नमेंट सर्वेंट ना दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट पे हाथ कोई ना डाल सके, तो इस काम के लिए जो है ना हमें रपट लिखानी पड़ेगी, गवाही चाहिए। तो गवाही के लिए धर के लाओ उस सुशीला ने। ये पुलिस स्टेशन ना पूरा का पूरा मेरी आंखों के सामने बना है, जब इसका भूमि पूजन हो रहा था ना तब मैं पर्सनल। एक बात बोलूं, अब बहुत पकाते हैं, चुपचाप बैठिए और काम पर ध्यान दीजिए। आइए क्यों तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया सुश? अबे यार अब ये सुश कौन है? अरे ये तो सुशीला। अबे इडियट, अरे ये प्यार से सुशीला को सुश बुला रहे हैं, जैसे कि हम पुष्पा को पुष बुलाते हैं। अरे नहीं नहीं, अरे हमारे पड़ोस में एक छोटी सी 3 साल की लाडली बच्ची है जिसका नाम है पुष्पा, एंड आई कॉल हर विद लव पुश। अरे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सुश? क्या तुम्हें मेरी चिट्ठी मिली थी फिर भी तुमने ऐसा मेरे साथ किया? ये रही तुम्हारी चिट्ठी जिस पर तुमने लिखा है कि तुम्हारा दिल मुझसे भर चुका है और मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ दूं? ये लेटर मैंने नहीं लिखा है सुश, आराम से। अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर ये लेटर झूठा है? और तुम्हारा प्यार भी मेरे प्रति सब झूठा ही था, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने होने वाले पति के साथ अपना संसार बसाऊंगी। झूठे कहीं के, और तुम बहुत बकाते हो। एसोस, नहीं हमें तो लगा था कि इसका प्यार इससे रूठा है, पर ये आदमी ही झूठा है। अरे आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हो? अरे ये लेटर मैंने नहीं लिखा है। मम्मी जी कहीं ऐसा तो नहीं इसका लेटर कहीं किसी ने बदल दिया हो?
सही कहा, सही कहा, वो पोस्टमैन ने आराम से। तू टेंशन ना ले, उस पोस्टमैन ने हम रेस्ट कर लेंगे और तन्ने थारी सुशीला मिल जाएगी। ओके, अब आप आराम से गेट आउट एंड यू आराम से मालिश। अरे गोपी, तू बड़ा बूढ़ा हो गया यार, तेरे हाथ में वो दम नहीं रहा यार। सर, 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 मैडम, सर, सर, मैडम, सर, ही इज डेड, सर, 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 ठीक है सर। I think Gopi is no more, madam. Gopi is no more. अरे जान दे बुड्ढा है, वैसी कोई जरूरत ना है इसकी थाने में। क्या हुआ यार? तू? हाँ मैं ठीक हूँ यार। तो गोली चली थी वो? पता नहीं देख। अरे गोली चली थी उसका क्या? अरे सर, नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारा हाथ फिसल गया था और गोली बस रगड़ाते हुए चली गई। I'm fine. It's just a scratch. I'm as tenderest as ever. तेरे को तो बाद में देखूंगा। सी सी आई कैन जॉग। क्या है? और मम्मी जी, और टप्पू टाइपिस्ट ने जिसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है ना, गुड़गड़ उसको ले आया है। अबे तू, अरे तू हो रहा वो आदमी। हाँ तो मैं क्या करता मैडम, मैं भी सुशीला से बहुत प्यार करता हूँ। आपको पता है, तीन तीन बार मेरी और सुशीला की एंगेजमेंट होते होते रह गई। हर बार कोई लेटर आ जाता था और वो हमारी मंगनी तोड़ देती थी। तो मैंने है ना मैडम, इस बार सोच लिया कि इस बार मैं लेटर में मैटर क्या है वो पढ़ ही लूँ। तो जब मैंने लेटर की मैटर पढ़ी तब सब समझ में आ गया। तो मैंने क्या किया, लेटर बदल कर सुशीला को दे दिया। अब तो सुशीला एंगेजमेंट के लिए तो क्या, शादी के लिए भी राजी हो गई है। न घड़ा उतावला हो रहा शादी करने को, और जो टप्पू टाइपिस्ट ने थारे खिलाफ FIR लिखाई है, न उसका क्या करूं, बोट बना के भादूं। वो अब सोच लीजिए आप मैडम, क्योंकि क्या है कि अगर मैं अंदर चला गया तो आपकी उस चिट्ठी के बारे में कौन पता लगाएगा। मैं क्या करता हूँ, आपको बता देता हूँ कि उस हनुमान प्रसाद को चिट्ठी किसने लिखी, और उसके बदले में आप है ना उस टप्पू टाइपिस्ट को तीन दिनों के लिए जेल में डाल दीजिए, तभी मैं अपनी शादी शांति से कर लूंगा। लेकिन तुम तो वो सुशीला से शादी करने वाले हो ना? हाँ तो उससे ही करूंगा ना। तो फिर शांति से शादी कौन करेगा, मुझे क्या पता। तो तुमने कहा कि तुम शांति से शादी करोगे, कहा कि नहीं? और मैडम आप मुझे थप्पड़ मार रही हैं, यहाँ पर ये आदमी शांति और सुशीला दोनों के साथ शादी कर रहा है और आप मार मुझे रही हैं। पेशेंस, पेशेंस। तू जी तुम्हारा काम कर, तुम्हारा काम मैं निपटा दूंगी। थैंक यू मैडम। और तुम दोनों ना जाके धर के लाओ उस टप्पू टाइपिस्ट ने। सर 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 प्लीज अंदर आइए ना प्लीज। भाई हमारा वक्त काफी कीमती है। तो उसके पैसे मिलेंगे आपको पक्का? हाँ आराम से। बोलिए सर। सर आप इस केस में मेरी कुछ मदद कीजिए ना प्लीज। तुम्हारी मदद नहीं भैया, सॉरी, देखिए हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्वयं भगवान आपकी मदद नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि आपका पाला उस आदमी नुमा औरत के साथ पड़ गया है। अरे मिस टोटाला की बात कर रहे हैं हम। अरे भाई वो औरत ऐसी खड़ूस औरत है कि जिसका पाला उसके साथ पड़ जाए उसकी तो बैंड ही बच गई। अरे कभी कभार तो हम सोचते हैं कि वो यमराज के खानदान को बिलोंग करती है। इनफैक्ट आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो यमराज की बीवी हो। लेकिन सर फिर मेरी सुशीला। अब भैया देखो, ये रोने ढोने का जो ढोंग बचा रखा है उसको पैकअप करो और अपनी सुशीला को भूल जाओ। नहीं नहीं सर, मैं अपनी सुशीला को नहीं भूल सकता, मैं उसे प्यार करता हूँ, आई लव हर। अगर वो मुझे ना मिले ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, अपने आप को फांसी लगा लूंगा, मैं अपने आप का खुद का मर्डर कर लूंगा। प्लीज आराम से प्लीज। देखो भैया जो कुछ भी करना है आराम से करो, लेकिन मरने से पहले हमें अपनी सेक्सी सुशीला का टेलीफोन नंबर और एड्रेस देते जाओ भाई। उनके घर शोक जो मनाने जाना होगा। आई एम क्वाइट शोकीन। हेलो मैडम। मैडम ये लीजिए हम दोनों की शादी का कार्ड और ये मिठाई।
था आपके लिए। मैडम आपने जब हमें यहाँ फोन करके बुलाया ना तो तभी हमने सोचा कि चलो भाई लगे आ तो आपको कार्ड और मिठाई भी दे ही देते हैं। मैडम वो टप्पू कहाँ है, बुलाइए उसे, मैं अपनी शादी का कार्ड मारूंगी उसके मुंह पे। मम्मी जी टप्पू टाइपिस्ट ने सुसाइड कर लिया। व्हाट? ओह माय गॉड। अरे यार कल ही रात को ये आदमी हमें बता रहा था कि सुशीला के प्यार में ये कितना पागल है और ये सुशीला के प्यार के बगैर मर जाएगा। बट आई डिडंट रियलाइज ही सो सीरियसली सीरियस। यार ये तो मर ही गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और मैं तुम्हारे प्यार को कभी पहचान ही नहीं सकी। अरे छोरी ना समझ तो तू इस पोस्टमैन ने भी ना सकी जिसने थारे टप्पू की चिट्ठी बदल दी थी। भाई चुप क्यों खड़ा है, ईब तो निमट गया अब टप्पू, ईब तो बोल दे सच के। प्रवी मेरे सर की कसम खा के कहो कि ये जो कह रही है वो झूठ है। नहीं मैं तुम्हारे सर की कसम नहीं खा सकता। अबे तू क्या, तेरा बाप भी खाएगा? हाँ सुशीला ये सच है, मगर सुशीला ये सब मैंने तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया। हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया? तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और मैं तुम्हारे प्यार को कभी पहचान ही नहीं सकी। I love you. लेकिन अब तो तुम मर चुके हो, अब मैं क्या करूं? ओहो, ओहो, आंसू बहाने की कोई जरूरत ना है, ना इतना भी कोई ना मरा जो जिंदा ना हो सके। टप्पू, टप्पू तुम जिंदा हो? आराम से। मैडम, ये सब क्या हो रहा है? यो, मच्छी मार्केट कोई ना है, यो पुलिस थाना है और यहाँ इंसाफ होवे। और ये सब ड्रामा मैंने इसलिए करा था ताकि तू इस छोरी के सामने ना अपने ही मुंह से अपने जुर्म को कबूल कर ले। बालको व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ना इस छोरे के गले में डाल दो टायर और धर लो इसने अंदर। सोच लीजिए मैडम, अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया तो फिर आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये चिट्ठी किसने लिखी थी, क्योंकि करोड़ों चिट्ठियां रोज इस प्रवीण पोस्टमैन के हाथों के नीचे से गुजर जाती हैं। अरे बेटा हमारा नाम चंद्रमुखी चौटाला है और मैं इतनी खुदगर्ज ना हो रही कि अपनी मोहब्बत का बल्ब जलाने के चक्कर में दूसरे के प्यार की ट्यूबलाइट ने फोड़ दूं। ईब तो तू लॉकअप में चल, ईब तो तू गुजरेगा मारे हाथों के नीचे से। बालको टॉर्चर रूम रेडी करो भाई। रखना हमेशा यही याद, हमारी मैडम है जिंदाबाद। मैडम जिंदाबाद, मैडम जिंदाबाद, मैडम जिंदाबाद, मैडम जिंदाबाद। पेचू अरे अरे वेरी गुड वेरी गुड, कोई इसकी जरूरत ना है, जाके अपना खुशी खुशी संसार बसाओ, शादी करो, हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। चलो नाइस मीटिंग। आराम से आराम से आराम ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? आज से जिंदगी का स्लोगन चेंज, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो चलो। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे एक केस रपटता कोई ना है, ना दूसरा रेडियो क्या जाता है, क्या हो गया थारी भी चिट्ठी बदल गई के? ऐसे ही कुछ मैडम, यहाँ की चिट्ठी मेरे पास आ जाती है, मेरी चिट्ठी यहाँ पे आ जाती है मैडम। अरे थारी कौन सी चिट्ठी आ गई भैया, नाम क्या हो रहा थारा? जी हनुमान प्रसाद है? है? अरे थारा नाम हनुमान प्रसाद हो रहा? हाँ। यो देख यो चिट्ठी थारी है। हाँ मेरी चिट्ठी है मैडम। सोर पक्का मैडम? डेफिनेट। हाँ गारंटी। वेरी नाइस मीटिंग, वेरी गुड, थैंक यू मैडम, गुड गुड, प्लीज लीव। देख लिया आपने, वो चिट्ठी हमारी नहीं थी और आप तो खामखा हम पर शक कर ही जा रही हैं। अब तो खुश है ना आप? मैं घड़ी खुश हो रही हूँ, ये बड़े यकीन हो गया मुकर्जी इनकी तुम्हारे सिवा और किसी का ना हो सके।